और आपको पता है कि आज दुर्गा सोरेन की जयंती थी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों ने अपना घर बार छोड़कर इस राज्य के लिए सब कुछ न्यौछावर किया और लंबे संघर्ष के बाद हमको ये राज्य मिला है। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था 20 साल में टूटता हुआ नजर आ रहा है। साल 2019 में बड़ी ताकत के साथ हमने सत्ता में आने का काम किया ताकि झारखंड विरोधी ताकत को हम हटा सके। साल भर के अंदर राज्य में जो वातावरण बना इससे हमारे विरोधी सरकार गिराने में लग गए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि समय पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो इस राज्य में वातावरण बना और जो राज्य में लोगों की उम्मीदें जगी इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है, इतना तकलीफ हो गया है कि इन प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, आज जो हमारे बीच बैठे आदरणीय गुरुजी, जिनकी उम्र अभी 80-84 साल हो रहा है, इन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा, इनके ऊपर भी है, इनके इन प्रकार इनके ऊपर दोषारोपण करने का काम प्रारंभ कर दिया इन विरोधियों ने। खैर कोई चिंता नहीं, हम लोग ऐसे चीजों से और इस तरीके के हालात को आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने में देखते आ रहे हैं। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इससे संघर्ष करने की जरूरत है। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं, समय आने दीजिए। हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे।